एडिलेड टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया ने चार मैचों के टेस्ट सीरीज में जोरदार वापसी की। भारतीय टीम ने मेलबर्न टेस्ट मैच अपने नाम कर सीरीज बराबर कर दी है। और खास बात ये कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में जिस टीम को हल्का बताया जा रहा था, उसने सिर्फ 3.5 दिन में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। ये मैच मोहम्मद सिराज के लिए भी काफी यादगार रहा, जिन्होंने मेलबर्न में ही टेस्ट डेब्यू किया है। सिराज ने मैच में कुल 5 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए। ऐसा कमाल का प्रदर्शन करने के बाद मोहम्मद सिराज 53 साल बाद वो कारनामा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए, जो इससे पहले साल 1967 में सैयद आबिद अली ने एडिलेड टेस्ट में अंजाम दिया था। दरअसल तब भारतीय गेंदबाज आबिद अली ने एडिलेड में टेस्ट डेब्यू किया था और 7 विकेट अपने नाम किए थे। उसके 53 साल बाद अब सिराज ने भी वही कारनामा दोहराया। दिलचस्प संयोग है कि सैयद आबिद अली और मोहम्मद सिराज दोनों ही हैदराबाद के हैं। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक और मामले में खास है, वो ये कि दोनों ने मैच में 5 या उससे ज्यादा विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए लिए हैं। इस मामले में आबिद अली टेस्ट डेब्यू में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए मैच में कुल 7 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं। उनके बाद मोहम्मद सिराज का नंबर आता है, जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं। सिराज ने मेलबर्न में अपने आगाज टेस्ट में एक और कारनामा किया। हैदराबाद का ये तेज गेंदबाज बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेब्यू करते हुए 5 विकेट लेने वाला पहला मेहमान खिलाड़ी है। सिराज से पहले आज तक कोई भी विदेशी गेंदबाज बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेब्यू करते हुए 5 विकेट नहीं ले पाया है। सिराज के इस बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।